नर्मदा नदी को नोच रहे खनन माफिया, खुलेआम चल रहा अवैध रेत उत्खनन का खेल और जबलपुर प्रशासन कर रहा है और मौतों का इंतजार। मध्य प्रदेश का जबलपुर एक ऐसा शहर है जिसे मां नर्मदा के नाम से ही जाना जाता है। इस शहर में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को दमदार बनाने के लिए नेता भी नर्मदा और अन्य नदियों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जल गंगा संवर्धन अभियान चला रहे हैं, जिसमें जल स्रोतों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पर जबलपुर शहर की नदियां, जो यहां का मुख्य जल स्रोत है, उनका सीना छलनी कर लगातार अवैध तरीके से रेत उत्खनन चल रहा है। हाल ही में जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में किसी तरह की अवैध रेत खदान में रेत के अंदर दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर इस अवैध रेत कारोबार में संलिप्त होने या लापरवाही बरतने की कार्यवाही नहीं की गई है। इस खदान की तरह जबलपुर शहर और आसपास के ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहाँ पर नावों और मशीनों के जरिए रोज सैकड़ों डंपर अवैध रेत निकाली जा रही है। इसके बाद भी आखिर क्यों सभी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर दोबारा किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हुए हैं? इन अवैध रेत खदानों में से ही एक रेत माफिया के अड्डे पर आज द सूत्र की टीम पहुंची। जबलपुर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर सिलुआ ग्राम पंचायत में नर्मदा नदी का घाट है। ग्रामीणों ने बताया कि इस घाट से करीब 50 तो कभी 100 डंपर भरकर रेत निकाली जाती है। रोज निकलने वाले इन सैकड़ों भारी वाहनों के कारण गांव की सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पर इन दबंग रेत माफियाओं का खौफ इतना है कि इन्हें रोक पाना ग्रामीण तो क्या, प्रशासन के बस की भी बात नजर नहीं आती। गांव में रहने वाले लोगों ने इस डर से तो अपने बच्चों को सड़कों पर निकलना भी बंद करवा दिया है कि कहीं किसी दिन इन भारी वाहनों के कारण घर के बाहर खेल रहे उनके बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा न हो जाए। यहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव की सड़कों का हाल इतना बदहाल क्यों है। ट्रक निकला, क्या निकलते हैं? ट्रक। किस चीज के ट्रक? रेत वाले, माटी वाले, रात भर निकलते। अब जर्मा जा रही है, इतनी निकल रहे हाईवे, इतनी चैन वाली गाड़ी निकल रही न टूटे। किस चीज के लिए निकलते हैं हाईवे? नर्मदा जी के जाने, खुदेने के लिए रेत लेके जाते हैं। रेत लेके जाते हैं और जो वो है ना खाई ऐसी है तो उनको प्लान करते हैं वहाँ तक और यहाँ से जर्जरा चले जाते हैं। तो इसका विरोध लोग बोलते हैं तो दम देते हैं भी। कौन है लोग जो दम देते हैं? हमें क्या मालूम कि कौन है भी साहब लोग रेत वाले के भाई, तुम्हारे बाप की है का? नल तोड़ डाले हैं जिन लोगों को, हमें दिखाया नहीं रात में, तो हम चीप डाले तो बेच डाले हैं चीप हमारे। वो में हमने पैसा भी लगाए कितने सुधरवाए तो फिर भी तोड़ तार के भी भाग दिए थे। हम तो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ट्रक के वो कोई पास तो कहते नहीं सचिव सरपंच किया तो हम पे वो भी कछु नहीं बोले। लेकिन सचिव सरपंच तो खुद उसके विरोध में है और वो चाहते हैं कि यहाँ से ऐसा ना हो। वो भी तो हम नहीं डेली निकलते हैं यहाँ से, डेली निकलते हैं। अभी हफ्ता भर से बंद हैं, हम लोग रोकते हैं। हम लोगों का घर सामने है, आजू बाजू ट्रक भाई भाई निकल रहे, पलट जाए या कोई बच्चे के साथ हानि हो जाए, रोड भी छोटी है ना, तो गाड़ी निकलती। हम लोग बोलते हैं ना तो बोलते हैं हम पहली बार आए हैं और जात पूरी रात ट्रक निकलते हैं, सोना आना सब हराम है और रोड भी खोद गई है, पूरी टूट गई है रोड है ना। मना करने के बाद भी नहीं मानते, कहते हैं नर्मदा में काम चल रहा है तो इसीलिए हम लोग जाते हैं, सरकारी काम तो उसमें हम लोग भी शांत हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों का कारोबार होगा, हम लोग गरीब एक दो जन बोलेंगे तो हम लोगों के ऊपर सब चढ़नी कर देंगे। क्या ले जे लोग गरीब बोलते हैं तो एक दो जन बोले और कोई बोलते ही नहीं है, है ना। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, शांत रहते, टूट जाए घर ही टूटेगा, बच्चे ही मरेंगे गिरेंगे। अगर यहाँ से हाईवा निकल रहा गिर जाए पलट जाए तो मतलब किसी की हानि से ना, मगर वो लोग नहीं मानते हैं। वे तो अपनी मनमानी एक हफ्ते से बस नहीं निकल रहा, मगर रात में कोक लेन जाती है, वहाँ से ट्रक निकलने लगे निकले हैं रात में, है ना, ऐसा हो रहा है। हम लोग कम 2-3 साल से बहुत परेशान है, जो रास्ता इतनी ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों का घर आजू बाजू है सामने, वहाँ हम लोगों की घरों का मतलब नुकसान होने का, और बच्चे छोटे छोटे खेलते रहते हैं, कई बार बचे भी हैं बच्चे। और हम लोगों ने तो रातों में तक ट्रक वालों को रोके हैं, वीडियो बनाए सब बनाए, मगर वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अब क्या कर सकते गरीब लोग।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मासूम ग्रामीणों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है कि यह शासन की योजना चल रही है। ग्रामीण इस कारण से इन माफियाओं को कई बार इन्हें हालांकि रोकने की कोशिश की है, पर इसलिए इससे नहीं उलझते क्योंकि ये सभी के सभी दबंग हैं। देखिए किस तरह से नर्मदा नदी पर बाकायदा नाव के ऊपर माफिया की पूरी टीम सवार है। इसमें नाव चलाने वाले से लेकर सुपरवाइजर और मजदूर तक दिन में 7 से 8 घंटे तक काम करके लगातार नदी से रेत निकालते हैं। इसके बाद ये रेत नदी के किनारे ही टीले बनाकर इकट्ठी कर दी जाती है, जिससे रात के अंधेरों में डंफरों में भरकर इनके रेत माफिया आकाओं और ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। हालांकि कवरेज के दौरान हमारी टीम को दिन में भी कुछ डंपर रेत सप्लाई करते हुए नजर आए, पर ग्रामीणों के अनुसार रात के समय भारी संख्या में वाहन रेत लेकर निकलते हैं। इस मामले को लेकर गांव की पूरी पंचायत आवाज उठा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा। ग्राम पंचायत के ऊपर एक बनी हुई सीरीज वेब सीरीज पंचायत में आपने फुलहरा ग्राम पंचायत के सचिव अभिषेक त्रिपाठी के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके पीछे पूरा गांव समर्थन में खड़ा होता था। जबलपुर में एक ऐसी ही ग्राम पंचायत है सिलुआ पडरिया, पर यहां पर सचिव से लेके सरपंच तक एक मुद्दे को लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ पूरा गांव खड़ा हुआ है। पर वेब सीरीज़ की तरह असलियत में हर चीज़ नहीं होती। यहां पर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है और ग्राम पंचायत की लगातार शिकायतों के बाद भी सुनवाई करने वाला कोई मौजूद नहीं है। हम बात करते हैं इस गाँव के सचिव से। सचिव जी, क्या समस्या है यहाँ पर? भाई साहब, यहाँ पर क्या है, मेरे को आज 3 साल हो गए, 22/12/2022 को मैंने दिया था यहाँ अवैध उत्खनन से संबंधित, रोड ख़राब हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो जिला सीओ मैडम आई, उन्होंने बोला ये रोड ख़राब हो गई, कैसे हो रही, तो उसके संबंध में मैंने 22/12/2022 को दिया अवैध उत्खनन से संबंधित, फिर 26/2/2024 को दिया, 14/3/2024 को दिया, फिर अभी 15 दिन पहले फिर दिया हम लोगों ने। मतलब संबंधित अधिकारियों को रेत अवैध उत्खनन से संबंधित हम लोग अवगत कराते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्य मार्ग से लेकर नर्मदा जी तक जो सीसी रोड है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई होगी, और आगे एक पुलिया है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, और आगे जो रोड है ग्रेवल रोड पूरा पाउडर बन गया होगा वहाँ। तो क्या है, जो नर्मदा जी जाते हैं दर्शन करने जो लोग हैं, मतलब दर्शनार्थी जो भी हैं, श्रद्धा है माँ के प्रति, उन लोग शिकायत करते हैं आके ग्राम सभा में भी बोलते हैं कि भैया आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम लोग की तरफ से भरसक प्रयास किया जा रहा है लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। SDM कार्यालय में भी हम दिया रहा, जिला पंचायत में दिया, कलेक्टर को दिया, माइनिंग डिपार्टमेंट में हमारी डेली 2-3 दिन से बातचीत हो रही संबंधित विभाग के अधिकारी से, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। किस अधिकारी से बात हो रही है आप? माइनिंग इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, तो वो ऐसे समय में आते हैं जब रेत माफिया पूरा मटेरियल उठा के ले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि वहाँ कुछ है ही नहीं है। तो ये थे यहाँ इस पंचायत के सचिव रूपराम सेन जी, और इनके साथ पूरा गांव इस बात की गुहार लगा रहा है कि जिस तरह सिहोरा में खदान हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, उस तरह प्रशासन किसी मौत का इंतज़ार न करे और इन्हें इंसाफ देने की इनके साथ इस मुहिम में सूत्र खड़ा हुआ है। सिलुआ ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सचिव और ग्रामीणों ने दर्जनों बार माइनिंग अधिकारी से लेकर पुलिस तक इस अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए गुहार लगाई है, पर इस पर कार्यवाही होना तो दूर, ग्रामीणों को माफिया की ओर से धमकी मिलना शुरू हो जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि पंचायत के सह सचिव ने इस मामले की शिकायत जब माइनिंग अधिकारी से की तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला गया। ये रात को पूरे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर आते हैं और अपने वाहनों को रवानगी देते हैं, जिससे इन्हें कोई कुछ ना बोल पावे। इस बात को हम प्रशासन तक भी हमने पहुँचाया और माइनिंग प्रभारी जी को भी हमने ये बात बताई है। माइनिंग प्रभारी जी बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वहाँ जब माल उठा लेते हैं, अगले दिन खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं और ये पंचनामा बनाकर चले जाते हैं और उसी दूसरे दिन फिर से रेत का उत्खनन होने लगता है। अभी ये पता चला है कि जब आप माइनिंग प्रभारी या किसी अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं तो आप लोगों को धमकियां मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, बिल्कुल हम लोगों को बोला जाता है। और ग्राम पंचायत की रोड सुदूर सड़क यदि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ विजिट करेंगे तो वो ग्राम पंचायत से पूछते हैं कि कैसे ये ध्वस्त हुई हैं। तो ये हाईवे और बड़े बड़े डंफर जो लेके जा रहे हैं उससे पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत की रोड ध्वस्त कर दी गई है। तो सुना आपने कि कैसे शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी माफियाओं को ही शिकायत की सूचना दे देते हैं।
आपको बता दें कि मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार रेत का एक भरा हुआ डंपर 28,000 रुपए में बिकता है और शायद यही कारण है कि अवैध व्यापार में इतना पैसा है कि रेत माफियाओं के लिए जिम्मेदारों को खरीदना भी बड़ा आसान होता होगा। तभी तो पुलिस सहित प्रशासनिक महकमे के किसी भी अधिकारी की इस अवैध उत्खनन के खिलाफ नजर टेढ़ी नहीं होती। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जहां मीडिया पहुंच सकता है वहां पर पुलिस और अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां दिन के उजालों में खुलेआम बड़े पैमाने में रेत की चोरी हो रही है पर लगातार कार्यवाही करने का दावा करने वाला कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में तो यही कयास लगाया जा सकता है कि नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा प्रशासन तक भी पहुंचता होगा।